हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल में मैं सत्यम शुक्ला सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपका जो लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट होता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चंस आजकल टेस्ट में पूछे जा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे साइन बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही साइन बटन पे क्लिक करते हैं क्वेश्चन देख सकते हैं स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे पहला प्रश्न है कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। चिन्ह को ध्यान से देखिएगा तो यह ट्रायंगल में चिन्ह बना हुआ है और यहाँ पे बीच में डिवाइडर है। डिवाइडर को यहाँ पे क्या कर दिया, खाली कर दिया गया। यहाँ पे बीच में अंतराल, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, बीच में अंतराल है। ठीक है, डिवाइडर के बीच में जो अंतराल होता है तो वहीं इसका सड़क चिन्ह, यही सड़क चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर तीन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है कि किसी निजी वाहन के, कोई निजी वाहन के अनुमत यात्री क्षमता दर्ज होती है। कोई जो निजी वाहन होता है उसमें कितने यात्री बैठ के जा सकते हैं, कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं, वो कहाँ पे दर्ज होता है, तो वो होता है पंजीयन प्रमाण पत्र में। ठीक है, RC में यह दर्ज होता है, तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पुष्टि कर लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर थ्री कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। चिन्ह को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे बना हुआ है एक गाड़ी है जो कि फिसलते हुए जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, रास्ता फिसलन भरा है। पुष्टि भी कर लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर फोर कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। चिन्ह को ध्यान से देखेंगे तो यह वाई के अनुसार बना हुआ है, लेकिन यह वाई जो यहाँ पर निकला हुआ है ये निकला है बाई तरफ, तो क्या बना है, वाई और बाई और वाई इंटरसेक्शन, ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब हो जाएगा, बाई और वाई इंटरसेक्शन। पुष्टि भी कर लेते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब पुष्टि करने के बाद। अगला क्वेश्चन नंबर फाइव कि कौन सा चिन्ह बताता है कि सीधा या बाएं मुड़ना जरूरी है, सीधा या फिर बाएं मुड़ना। एरो देखेंगे कौन सा सीधा जा रहा है और उसी में से कौन सा बाएं निकला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर दो कि एक सीधी सड़क जा रही है, सीधे एरो दिखा रहा है, इसी में बाएं तरफ भी एक एरो निकला हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, सीधे या बाएं मुड़ना जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर दो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर सिक्स कि कौन सा चिन्ह बताता है कि वाई क्रॉसिंग है। वाई क्रॉसिंग के लिए वाई बना होगा, देखिए तो ये देखिए ऑप्शन नंबर एक, दो, तीन, तीनों में वाई क्रॉसिंग बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर चार इसका सही जवाब हो जाएगा कि सभी सही है। ठीक है, तो यदि बाई और वाई इंटरसेक्शन पूछता तो ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर होता, यदि दाई और वाई इंटरसेक्शन पूछता तो ऑप्शन नंबर दो इसका सही जवाब होता। ठीक है, तो यहाँ पे वाई क्रॉसिंग पूछा है तो तीनों इसका सही आंसर हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर चार इसका सही जवाब हो जाएगा। पुष्टि भी कर लिया, बिल्कुल सही जवाब। अगला है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे सीधे ही जाना है। क्या बोल रहा है, आगे सीधे ही जाना है, उसमें कहीं आपको मुड़ना नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन इसके फिट बैठता है, तो ऑप्शन नंबर चार देखिए, ये देखिए केवल एक ही सीधी एरो दिखाया गया है, एरो को आप सड़क मान सकते हो, तो इसका मतलब यही होता है कि आगे सीधे ही जाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चार इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर एट कि यह चिन्ह बताता है कि खान पान की सुविधा है। खान पान की सुविधा का सड़क चिन्ह कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर एक तो पार्किंग का हो गया, ऑप्शन नंबर दो आगे अस्पताल का हो गया, और ऑप्शन नंबर तीन जो है यहाँ पे देखिए ये खान पान की सुविधा का चिन्ह है। यहाँ पे देखिए 500 मीटर लिखा हुआ है, 500 मीटर मतलब होता है 500 मीटर की दूरी पे खान पान की सुविधा है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर चार किसका है, टेलीफोन बूथ का, 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पे। पुष्टि कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर तीन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर नाइन, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये जो चिन्ह है यह क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए 6 लिखा है 6, आगे लिखा है टी, 6 टी मतलब होता है टन, 6 टन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एक्सल भार की सीमा, ऑप्शन नंबर तीन इसका सही जवाब हो जाएगा, एक्सल भार की सीमा को यह दर्शाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है कि रियर व्यू शीशा प्रयोग करते हैं। ठीक है, रियर व्यू शीशा का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो यह होता है पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए, पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए रियर व्यू शीशा का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर दो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 10 क्वेश्चंस का टेस्ट दिया जिसमें योर स्कोर 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स, 10 में से 10 मार्क्स यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको करेंगे एग्जिट, एग्जिट करने के बाद फिर से यहाँ पे फिल करेंगे एप्लीकेंट नेम में,
डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर लेते हैं, रैंडमली कोई सा भी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेता हूँ, 20 फरवरी। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे हिंदी, और स्टेट जो भी आपका स्टेट हो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं सिलेक्ट करूँगा उत्तर प्रदेश, सिलेक्ट किया और साइन बटन पे क्लिक कर दिया। साइन बटन पे क्लिक करते ही क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, जहाँ पे पहला प्रश्न है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे सड़क पर तिराहा है। कौन सा चिन्ह बताएगा कि आगे सड़क पर तिराहा है? तो यहाँ पे देखिएगा तिराहा का चिन्ह कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, तो ये रहा आपका तिराहे का चिन्ह। देखिए नीचे एक इधर से सड़क आ रही है और आगे जाके यहाँ पे मिल जा रही है मेन सड़क में, तो ये तिराहा बना रहा है यहाँ पे। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जब आप किसी ढलवा मार्ग पर वाहन चला रहे हो, तो आपको यदि आप ढलवा मार्ग पे वाहन चला रहे हैं तब आपको क्या करना चाहिए, किसको पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, इसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो एक पहाड़ पर यदि कोई गाड़ी चढ़ रही है तो सबसे पहले आपको उसी को प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो चढ़ाई पे, आप ढलान पे हो तो चढ़ाई वाले को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए पहाड़ पर चढ़ने वाले वाहनों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है, पुष्टि भी कर लेता हूँ, बिल्कुल सही जवाब। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि वाहनों का आना व जाना दोनों मना है। वाहनों का आना और जाना दोनों मना है, इसका चिन्ह कौन सा हो जाएगा? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 3, एरो बना हुआ है, एक सीधे जा रहा है, एक पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो इन दोनों को क्रॉस कर दिया गया है, इसका मतलब होता है आना और जाना दोनों मना है। पुष्टि भी करके दिखा देता हूँ, बिल्कुल सही जवाब। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, चिन्ह देखिए कुछ इस प्रकार से है, ट्रायंगल में बना हुआ है, और ये बना क्या दर्शाता है? खतरनाक गड्ढा। देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर 2 खतरनाक गड्ढा है। ऑप्शन भी देख करके आप लोग इसका अनुमान लगा सकते हो, ठीक है, पुष्टि भी कर देता हूँ, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सभी प्रकार के मोटर वाहन आच्छादित होने चाहिए, ठीक है, सभी प्रकार के जो मोटर वाहन है वह किससे आच्छादित होने चाहिए? सभी प्रकार के मोटर वाहन में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य किया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, थर्ड पार्टी बीमा से आच्छादित होने चाहिए। पुष्टि भी कर लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, चिन्ह देखिए यू के अनुसार बना हुआ है, यू बना हुआ है उल्टा, ठीक है, और इसको क्रॉस किया गया है। यू का मतलब क्या होता है भाई? यू मोड निषेध, सिंपल सा है, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3, यू मोड निषेध। पुष्टि भी कर लेता हूँ, बिल्कुल सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 कि किसी दुर्घटना के घटित होने पर आपातकालीन एम्बुलेंस के लिए आप क्या डायल करेंगे, आपातकालीन एम्बुलेंस के लिए आप क्या डायल करोगे? तो इसके लिए डायल करते हैं 108, 108, 108, 108, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है, तो 108 डायल करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वाहन के बीमा की वैधता होती है, वाहन का वाहन के बीमा की वैधता कितनी होती है? वो होती है 1 साल के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि इन परिस्थिति में ओवरटेकिंग निषेध है, कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपको ओवरटेकिंग नहीं करना? तो इसमें होता है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, जब इससे दूसरे यातायात को खतरा हो या असुविधा होने की आशंका है तब आपको ओवरटेकिंग नहीं करना है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो चिन्ह देखिए एरो किस तरफ घुमा हुआ है, तो एरो देखेंगे तो यह बाईं तरफ मुड़ा हुआ है और यह हेयर पिन बैड के अनुसार मुड़ा हुआ है, हेयर पिन बैड की तरह दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाईं ओर हेयर पिन बैड है, ठीक है, बाईं ओर हेयर पिन बैड है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देख सकते हैं फिर से मैंने टेस्ट दिया जिसमें 10 में से 10 मार्क्स हमने प्राप्त किए हुए हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।